नमो नारायण। मैं हूँ महामंडलेश्वर ब्रह्मांडपुरी। भक्तों के विशेष आग्रह पे आपके सामने फिर एक नई जानकारी के लेकर के कुछ प्रस्तुत हैं। अक्सर भक्त कहा करते हैं कि स्वामी जी, हमें आपका स्पर्श स्पंदन मिलाप नहीं हो पाता, इसलिए हम अपने दुखों का विलाप अपने गुरु के आगे नहीं कर पाते। जब तक परमात्मा का मिलाप नहीं होगा, आप अपने दुखों का विलाप सतगुरु के आगे नहीं कर सकते। जब तक आप स्मरण नहीं करेंगे, तब तक आप एक दूसरे को पा नहीं सकते। बाकी हम दुनिया के सामने रोते बैठते हैं। एक कल्पना है कि बंद दरवाजों पे आवाज़ लगाया न करो, लोग बहरे हैं इन्हें दिल की सुनाया न करो, और वक्त की आंधियां जाने कहां पे ले जाएं, इसलिए रेत पे तस्वीर बनाया न करो। इस दुनिया में कोई आपके आंसू नहीं पहुँचेगा। अब बात करते हैं स्मरण की। मेरे मित्रों, स्वयं का बार बार स्मरण करना परमात्मा के विस्मरण होने का द्योतक है, जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। और बार बार परमात्मा का स्मरण करना स्वयं के विस्मरण का द्योतक है, जो हमें विकास की ओर ले जाता है। हम स्मरण करते हैं, हम ध्यान भी करते हैं, हम धारणा भी करते हैं, हम समाधि में भी जाते हैं, लेकिन अंतर है। हमारे देश के महापुरुष, हमारे सनातन रीति के ऋषि ध्यान करते थे, धारणा बनाते थे, परमार्थ के लिए योजना बनाते थे और योग में समाधि लगाते थे। और हम ध्यान करते हैं जरूरत से ज़्यादा अर्थार्जन, भौतिक सुखों की प्राप्ति किया, धारणा भी बनाते हैं किसी का विनाश करके ही क्यों ना हमें प्रभुत्व पाना हो, लेकिन स्वयं को सुखों की प्राप्ति पाने के लिए हम किसी का विनाश करने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसी धारणा करते हैं, हमारे महापुरुषों ने योग में समाधि लगाई और हम भोग में समाधि लगाए। आप गौर करिए जरा सा, समाधि का अर्थ यही होता है कि जहां पर आप एक बार स्वयं को भी भूल जाएं। अब तो ऐसी समाधियों का कारण एक छोटा सा मोबाइल हो गया। मोबाइल पे बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होता है, मोबाइल पे बच्चा व्हाट्सएप पे मैसेजेस शेयर करता होता है, और माता पिता छह आवाज देते हैं तब कहीं उसके दिमाग में बात आती है, नहीं वो उसमें अपने आप को खो जाता है। स्मरण किसका करें और विस्मरण किसका करें? जीवन में अगर प्रभु ने आपको यह शरीर दिया है मेरे मित्रों, तो यह आपके प्रारब्ध के कर्मों का फल है, आप उसे भोग रहे हैं। इसलिए हर क्षण, हर पल, हर घड़ी आप परमात्मा का स्मरण करें और उसका आभार प्रकट करें। जब आप अपने इष्ट का आभार प्रकट करोगे, जब आप अपने इष्ट का धन्यवाद करोगे, तो इष्ट आपके जीवन में कष्ट नहीं होने देगा। कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी, हमेशा आप प्रकृति परमात्मा की बात करते हो, आयुर्वेद और अध्यात्म की बात करते हो, परमात्मा को किसने देखा है? अगर आपने देखा है तो हमें बताएं। निर्गुण और सगुण दो प्रकार की उपासनाएं हैं। 14 प्रकार के ब्रह्म की बात करते हैं तो शब्द भी ब्रह्म है। अगर शब्द ही नहीं होते तो हम अपनी बात एक दूसरे से नहीं कह सकते, इसलिए कुछ जगह पर शब्द को गुरु भी माना गया। हम कहते हैं आपको प्रामाणिकता के साथ, आपसे अब हम प्रश्न कर रहे हैं, जो कहते हैं परमात्मा को आपने देखा है, आपकी दाहिनी आंख ने कभी बाईं आंख को देखा है, या बाईं आंख ने कभी दाहिनी आंख को देखा हो तो बताइए। लेकिन ये दोनों साथ में सोती हैं, साथ में रोती हैं। गम हो या खुशी, इजहार दोनों साथ में करती हैं,
कभी एक दूसरे को छूती नहीं, कभी एक दूसरे के आलिंगन में नहीं है, कभी एक दूसरे के स्पर्श में नहीं है। जिस तरीके से मेरे भाई बहन ये आँख दूसरे आँख को नहीं देखती, ये नेत्र दूसरे नेत्र को नहीं देखता, स्पर्श नहीं करता, स्पंदन नहीं करता, लेकिन साथ में सारी प्रक्रिया करती है, ऐसे ही परमात्मा इस जीवात्मा के साथ सदैव सूक्ष्म से स्वरूप से रहता है और आपको आभास अनुभूति करने की आवश्यकता होती है। स्मरण करिए, पात्रता मांगिए आप ईश्वर से, ऐ प्रभु मेरे जीवन में पात्रता ले आ, मैं किसी के काम आ सकूं, मैं किसी के लिए कुछ अच्छा सोच सकूं, कुछ मेरे से अच्छे काम करवा। और जब आपके अंदर वो पात्रता आ जाएगी तो प्रभु एक दिन आपसे ऐसा सुंदर कार्य करवा देगा, आपके भोग से, आपके भाग्य से, आपके प्रारब्ध से, आपके कर्म से वो सुंदर योग आ जाएगा और आप हरि चिंतन करके सदैव के लिए आनंदित हो जाएंगे। स्मरण करना है, स्मरण के लिए यहाँ काल की बात होती है। इंग्लिश में इसी को कहा गया काइंड ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। व्यक्ति का जीवन शून्य से शुरू होता है और शून्य में ही समाहित होता है। इसलिए ध्यान रखिए आप कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर इस भाव में जीने लगेंगे तो आपको सदैव परमात्मा का स्मरण बना रहेगा। स्मरण करना है, नित्य स्मरण करना है, आपके अतीत का, आपके वर्तमान का, आने वाले भविष्य के बारे में एक योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीना। अतीत को विस्मृत हम नहीं कर सकते, अतीत को हम भूल नहीं सकते, लेकिन अतीत का स्मरण किस लिए करना चाहिए ये ध्यान रखें। अतीत के स्मरण और विस्मरण पे दो शब्दों पे नियंत्रण है, चिंतन और चिंता। अगर आपके जीवन में दुखद अतीत है तो उस पर चिंता करिए कि ऐसा दिन क्यों आया, और इससे मुक्त होना है तो उस पर चिंतन करिए कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि दुखों का दस्तावेज गैरों को दिखाएं कैसे, दस्तखत तो हमने ही किए थे। आज हम जिन परिस्थितियों के गुलाम बनकर बैठे हैं उसके निर्माता हम स्वयं हैं, इसलिए हमें आवश्यकता है समीक्षा कर। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, स्वामी जी आप मस्त रहते हो, आपके आश्रम में तो एक पलंग छोड़कर कुछ नहीं है, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, टीवी नहीं है, एसी नहीं है, सोफा नहीं है। तो मित्रों जीवन का एक सूत्र बताते हैं आज आप, प्रकृति के अंदर जो आज आपके पास है वो एक दिन जाएगा, और जो जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। जो मेरा है वो मेरे पास है, जो चला गया वो मेरा नहीं था। हम रोज समीक्षा करते हैं, अपने आप में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि मेरे परमात्मा ने जो आज मुझे दिया है इसमें मुझे कैसे रहना, बहुत सब कुछ हो जाए तो मुझे कैसे रहना, और एक दिन सब कुछ लूट जाए तब कैसे रहना। इसलिए स्वयं को उसी हालात में रखना चाहिए कि मेरे पास तो ना कुछ था, ना है, ना कभी मेरा रहेगा, क्योंकि ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा, आपके साथ तो कुछ जाना नहीं है। जिस दिन श्वास निकल जाता है, पुत्र भी पिता की लाश को तुरंत उठा करके शरीर को लाश बोलता है और पलंग से नीचे उतार देता है। अस्तु आपके साथ जाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के दुखों का कारण उसकी आवश्यकताएं होती हैं। अगर हमने अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण कर लिया तो हमें दुखों से कभी भी जूझना नहीं पड़ेगा। यही मूल कारण है कि हम मस्त रहते हैं और यही सोचते हैं कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो इकट्ठा किसके लिए करें। हम अपने आप को ये मानते हैं कि प्रभु ने पात्रता दी है तो नर सेवा नारायण सेवा करो, मानव सेवा माधव सेवा करो, स्मरण करो लोगों के आनंदित होने का, लोगों को हम कैसे सुखद परमार्थ में जीवन जी सकते हैं, हम किसी अपात्र को पात्र कैसे बना सकते हैं, हम किसी दुष्ट को संत कैसे बना सकते हैं,
हम किसी की विकृतियों को, कुकृतियों को सुकृति में कैसे बदल सकते हैं? काश इस जीवन में हम किसी की कुकृति को सुकृति में बदल ले जाएं, तो शायद हम उसमें नर के स्वरूप में नारायण को देख लेंगे। और यही भाव परमात्मा के स्मरण से आता है। परमात्मा के स्मरण से दूसरा भाव आता है कि जब आप अपने आप को प्रकृति पे समर्पित कर देते हो, तब आप स्वयं को दोषी नहीं मानते। जब तक आप सोचते हो ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा निर्मित है, तब तक आप दुख भोग करते हो। और जब आप सब लेते हो कि सब ही नचावत राम गोसाई, ईश्वर ने निर्धारित किया है। पीपल्स लाइफ इज प्री प्लान्ड आल्सो एंड प्री प्लानर इज गॉड। हमारे जीवन को पूर्व समय से निर्धारित किया जा चुका है, प्री प्लान है। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कितने समय जीना है, कितने क्षण में सांस लेना है, कितने पल में सांस लेना है, कब आपका जन्म हुआ है, कब आपकी मृत्यु होनी है, कितने दिन लाभ होगा, कितने दिन यश होगा, कितने दिन मान मिलेगा, कितने दिन सम्मान मिलेगा, तो फिर आपको चिंता किस बात? अब आपके हाथ में रह क्या गया है? अच्छे कर्म करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, सदैव परमात्मा का स्मरण करके लोगों के लिए सेवा करना, यही प्रभु नाम का स्मरण स्वयं के विस्मरण का द्योतक है। और जब आप बार बार ये अपना स्मरण करते हो, मैं तो दशकंधर को भी था, दशग्रीव को कहा गया, रावण में था, दशग्रीव में था, दशानन में था, जो कहता था अहम एको द्वितीय नास्ति भूतोचा भविष्यति, मैं एक हूं, दूसरा कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता, ना कोई था, ना है, ना आगे कोई होगा। जब आप स्वयं का स्मरण बार बार करते हो, तो आप में अहंकार की उत्पत्ति होती है, आपके अंदर विकार की उत्पत्ति होती है, आपके अंदर लोभ क्षोभ मोह पैदा हो जाता है। और जब आप प्रभु का स्मरण करते हो, तो आप में दीनता आ जाती है, आप में शालीनता आ जाती है, आप में लघुता आती है, और शून्य में आने के बाद समस्त सृष्टि में आपकी प्रभुता अपने आप ही फैल जाती है। लेकिन मानव का स्वभाव पानी के जैसा है। आज हम प्रेम की बात करते हैं, मैंने एक पुस्तक लिखी है, व्हाट इज द लाइफ, जीवन क्या है, उसमें मैंने प्रेम शब्द का उल्लेख किया और प्रेम का विश्लेषण किया। इसमें पहली पंक्ति में लिखा गया कि आज के मानव का स्वभाव पानी की तरह हो गया है, जैसे पानी नीचाई की ओर बहता है, ऐसे मानव उथले हुए स्वार्थ मात्र के लिए कोई भी अनैतिक कार्य करने के लिए तत्पर होता है, चाहे उसकी निज गौरव की हानि हो जाए, सामाजिक छवि क्षीण हो जाए, या किसी और का नष्ट हो जाए, सत्य का साथ छोड़ देता है और स्वार्थ के लिए अपने अस्तित्व के जीवन में उस गरिमाओं का हनन कर लेता है जो नहीं करना चाहिए। अस्तु उथले हुए स्वार्थ मात्र के लिए व्यक्ति अनैतिकता के लिए सदैव तत्पर हो जाता है। ठीक वही पानी के गुणों को जीवन में नहीं उतारता, पानी को शराब में मिलाओ मिश्रित हो जाता है, दूध में मिश्रित हो जाता है, जहाँ भी मिलाओ वहाँ मिश्रित हो जाता है, अलग निकल करके पानी का एक स्वभाव। पानी ने कभी ये नहीं कहा कि तू दुष्ट आत्मा है, तेरी तृप्ति हम नहीं करेंगे, तू मेरा शत्रु है, तेरी तृप्ति हम नहीं करेंगे, तू मेरा मित्र है, थोड़ा सा ज्यादा उपयोग में ले ले। मित्रता कैसी होनी चाहिए? कि प्रेम करो, ऐसे करो जैसे लोटा डोर, और गला फंसाए आप ना पानी पिवे कोई। ये भाव होता है प्रेम का। पहला स्वरूप है अभाव, दूसरा स्वरूप है प्रभाव, और तीसरा स्वरूप है स्वभाव। जैसे एक निर्धन धनवान से प्रभावित होता है, रोगी वैद्य से प्रभावित होता है, अज्ञानी ज्ञानी से प्रभावित होता है,
और जैसे जैसे उसके जीवन में प्रभाव कम होता, अभाव कम होता है, ऐसे आपका प्रभाव कम हो जाता है और आखिरी में वो अपना स्वभाव बताए बिना नहीं रहता, क्योंकि ये प्रकृति बदल सकती है। मानव की प्रवृत्ति बदलना बिना गुरु कृपा के असंभव है। और अंत में ये माना जाता है कि प्रेम, सांसारिक प्रेम, बर्फ के उस टुकड़े के जैसा है जो एक बार पिघल के पानी बन जाए तो पुनः बर्फ बनना असंभव होता है। अस्तु, आप जिस दिन दो चीजों को मार दें, भय मुक्त हो जाए और स्वयं के लिए जीने लगे, प्रामाणिकता है, अगर रिसर्च किया जाए बातें अटपटी लगेंगी, पिता पुत्र पत्नी परिवार भाई बंधु सखा मित्र आभा मंडल जगत मंडल समाज का मंडल कोई किसी से प्यार नहीं करता। अंत में अगर कहीं प्यार का संबोधन है तो व्यक्ति स्वयं 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 से ही प्रेम करता है। अनुभव लेकर देख लीजिएगा, अगर हमारी अर्धांगिनी या हमारे गुरु, हमारा पुत्र, हमारा पिता कोई भी अग्नि में जल रहा हो तो आप उसी समय तक उसे बचाने की चेष्टा करेंगे जब तक आप सुरक्षित होंगे, और जब आपको लगा मुझे भी क्षति हो जाएगी तो बोलेंगे त्राहिमाम, ईश्वर की मर्जी। आप अपनी मजबूरियों को मर्जी में बदल देते हैं, अर्जी लगाना नहीं और मुर्जी पर मर्जी पूरी करवाना, ये कहाँ की बात है। इसलिए मेरे भक्तों, ये निवेदन है कि अब आप स्वयं का स्मरण ना करें जिससे अहंकार आए, विकार आए, लोभ क्षोभ मोह आए, वो विनाश की ओर ले जाएगा। बार बार परमात्मा का स्मरण करें और स्वयं को विस्मृत करें, यही मेरा निवेदन है। आप लोगों को मेरी तरफ से साधुवाद, जो सुना है उसे आचरण में उतारें, आपकी दशा और दिशा को बदले। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, नमो नारायण।